मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि समास क्या होता है। अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं, तो पहले एक बार हम फिर रिवाइज कर लें कि हमने क्या पढ़ा था समास के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि समास शब्द है जो वो किससे मिलके बना है, दो शब्दों से। यदि उसका संधि विच्छेद किया जाए तो दो शब्द होंगे, सम प्लस आस। ठीक है, तो सम का मीनिंग होता है पास और आस का मीनिंग होता है रखना, यानी किसको रखना, अब तो शब्दों को पास पास रखना। ठीक है, अब देखिए का हमने मीनिंग क्या पढ़ा था कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, दो शब्द भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी शब्द होते हैं। अब उनको मिलाएंगे अपन। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उनको दूर दूर रखेंगे, उनको पास पास मिला मिला कर ले जाएंगे और उससे क्या बन जाएगा, एक शब्द बन जाएगा, नया शब्द। उसको हम उस प्रक्रिया को, ठीक है, उस प्रक्रिया को जो प्रोसेस पूरी चलेगी वो शब्द को बनाने में, उसको हम कहेंगे समास। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त। ठीक है, अब देखिए कि जो समास है उसके कई प्रकार हैं। अब हमारे मन में प्रश्न उठता है कि समास तो एक ही है, फिर उसके प्रकार क्यों बनाए गए हैं, क्यों समास के प्रकारों को बनाने की आवश्यकता पड़ी हमारे हिंदी व्याकरण में, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि उसकी हमको क्यों आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो समास है उसके प्रकार बनाने की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी कि सभी समास के प्रकारों में अलग अलग विशेषताएं हैं, इसलिए समास के प्रकारों की आवश्यकता हमको पड़े। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, समास के प्रकारों में जो एक एक पद होते हैं, किसी में कोई सा पद प्रधान होता है, किसी में कोई सा पद प्रधान होता है, तो इसलिए इनको बनाने की आवश्यकता पड़ी। अभी हम उसकी समास के प्रकार के बारे में अभी थोड़ा आपको विस्तार से बताएंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये सामसिक पद जो होता है, या उसको कहेंगे समस्त पद, ठीक है, इन पदों को, यानी एक एक पद, अब शब्द हम नहीं कहेंगे, एक एक पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है, इसमें बोला गया है कि अधिक शब्दों, एक या एक से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं, है ना। तो देखिए, समस्त पद, सामसिक पद यानी उसको कहेंगे हम समस्त पद, तो सामसिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द, ठीक है, क्या होगा, यानी एक एक पद को हम मिलाकर क्या बनाएंगे, नया शब्द। अब हम पद कहेंगे उसको, शब्द नहीं। तो अब हम देखते हैं उदाहरण के रूप में कि सामसिक पद होता क्या है और कैसे उससे नया शब्द बनेगा। तो देखिए, सामसिक पद हुआ शक्ति के अनुसार। देखिए, हमने एक एक पद मिला, एक शक्ति हो गया के अनुसार, इसमें दो पद मिल रहे हैं, शक्ति और अनुसार, ठीक है। अब देखिए उसमें नया शब्द क्या बना, यथाशक्ति। आया समझ में आपको, क्या बना नया शब्द, यथा शक्ति। तो इसमें देखिए, यथा क्या कहलाएगा, पूर्व पद, और शक्ति क्या कहलाएगा,
होगी उत्तर पद। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। देखिए क्रम के अनुसार यानी यथा क्रम। अब देखिए इसमें भी सामसिक पद पद मिले हैं एक एक क्रम के अनुसार, तो इसमें दो पद मिले, क्रम मिला है एक शब्द और एक अनुसार। क्लियर। अब नया शब्द क्या बना उससे, यथा क्रम। अब इसमें भी यथा क्या है पूर्व पद है और क्रम क्या है उत्तर पद। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बार मैं और आपको रिवाइज कर देती हूँ कि ये देखिए ये इसमें लिखा है दो से दो, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। ठीक है, तो इसी में ये जो पद मिलेंगे, ये शब्द मिलके इसको क्या कहेंगे पद, ये मिलेंगे इसके बाद एक नया शब्द बनेगा, तो सामसिक पद यानी समस्त पद मिलेंगे। अब सामसिक प्रक्रिया के यानी समस्त प्रक्रिया के बाद जो समस्त पद मिल जाएंगे, इसके बाद ये प्रक्रिया होगी उससे जो नया शब्द बनेगा उसको हम क्या कहेंगे समास। ठीक है, अब देखिए उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे सामसिक पद क्या है शक्ति के अनुसार, तो इसका हमें एक नया शब्द बन गया या संक्षिप्त शब्द बन गया यथाशक्ति। और दूसरा ऐसे ही देखते क्रम के अनुसार, सामसिक पद क्या है क्रम के अनुसार, इसमें दो शब्द मिल रहा क्रम है एक और एक अनुसार, तो अब इतना ना बोल के हम क्या बोल देंगे नया शब्द या संक्षिप्त रूप इसका यथा क्रम। अब इसमें यथा क्या है पूर्व पद है और शक्ति क्या है उत्तर पद। अब इसमें भी यथा क्या है पूर्व पद है और क्रम क्या है उत्तर पद। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप इसको अपनी कॉपी भी कंप्लीट करते जाइएगा व्याकरण की कॉपी। ठीक है, तो टेक केयर।